आखिर ये क्यों बन रही है और आखिर ये क्या चीज है तो जिस तरह हम कर रहे हैं कि वी आर डिस्कसिंग द एंड इन दिस कोल्ड वॉर इज इज द मेन कन्फ्लिक्ट डेट अकर्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर एंड एज वी वारी साट नीटो वॉस मेड बाय द यूरोपियन पावर्स द वेस्टर्न यूरोपियन पावर्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स टू इंश्योर देयर सिक्योरिटी अब दूसरी तरफ कौन रहा दूसरी तरफ सोवियत यूनियन रह गया और उसके जो अपने एलाइज हैं जिसको वो सैटेलाइट कहा करते थे जिसमें ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आते हैं अब इन्होंने भी तो अपनी सिक्योरिटी को बचाना है इन्होंने भी तो अपने आप को सिक्योर करना है तो अगर नेटो एक अलायंस बन गई है तो इसके मुकाबले में क्या बनना चाहिए उसके मुकाबले में काउंटर अलायंस बनेगा बिकॉज अलायंस मे रिजल्ट इन काउंटर अलायंस फॉर सिक्योरिटी रीजन एंड फॉर अचीविंग बैलेंस ऑफ पावर सो दिस वारसा ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड वारसा पैक्ट वारसा पोलैंड का कैपिटल है और पोलैंड उस वक्त सोवियत यूनियन के कंट्रोल में था तो ये वारसा पैक्ट वहां से आ रहा है इट इज द नेम ऑफ अ प्लेस इट वॉज अगेन अ पोलिटिकल एंड मिलिटरी अलाइंस एस्टेब्लिश इनटीन नाइनटीन फिफ्टी फाइव बिटवीन सोवियत यूनियन एंड द जी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तो हम जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह नीटो एक पॉलिटिकल और मिलिट्री लाइंस था इसी तरह वासा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी एक पॉलिटिकल और मिलिट्री मिलटरी था जिसमें डिफरेंट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व थे डिफरेंट कंट्रीज इन्वॉल्व थे एंड दे आल्सो मेड दिस एज अ मिलिट्री अलाइंस और अ मिलिट्री पैक्ट इन नाइनटीन तो आपको नजर आ रहा है कि नीटो नाइनटीन में बना or Varsa 55, high. so it takes almost six years. Why this six years? We will study this. Why NATO? Well, when NATO was made in 49, 1949, so why Varsa Pact was not made immediately on the next year or in some years? So it takes some six years for Varsa Pact to be made. So Soviet Union made this alliance as to balance the power of the NATO तो इट वॉज बेसिकली ब्रिंगिंग द बैलेंस ऑफ पावर ताकि दोनों जो ब्लॉक्स हैं उनमें अगर बैलेंस रह जाएगा सो अगेन नन ऑफ द पावर वुड बी अ थ्रेट टू अदर एज अ रिजल्ट पीस वुड प्रिवेल तो ये काफी आप देख रहे हैं कि काफी स्ट्रेटेजिकली ये इकदाम किए जा रहे हैं फॉलोइंग वर्ल्ड वॉर टू दोवियत यूनियन कंक्लूडेड बाय इलेक्ट्रल ट्रेटीज विद ईच ऑफ द ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर वेस्ट जर्मनी पिच वॉज स्टिल पार्ट ऑफ सोवियत आकोपाइड टेरिटरी वर्ल्ड वार टू के बाद जर्मनी को डिवाइड कर दिया गया था डिवाइड तो नहीं किया गया लेकिन उसके मख्तल हिस्से मुख्तलि अलाइंस के जो स्टेट्स थे उन्होंने आपस में तकसीम कर लिए थे उनका मकसद ये था कि जर्मनी की पावर को कम किया जाए और उसके बाद फिर जर्मनी जो इन कंट्रीज के पास है उसको दोबारा आज़ादी दे दी जाएगी है So this was how they occupied the land of Germany. So one of the part, which was Eastern Germany, this went to the share of Soviet Union while the other went to the Western Bloc. But then we saw that that Soviet Union made Berlin Wall and it did not make its part combined again with the other part of Germany to make the same Germany that was before World War II. सोवियत यूनियन का ये स्टैंड था कि जो जर्मनी है ईस्ट जर्मनी वो उसके हिस्से में है एंड इट विल बी बाय डिवलपल्फ एज ए रिजल्ट देर वॉज अ कम्युनिस्ट सिस्टम इनफोर्स इन डेट पार्ट एंड बर्लन वॉल वॉज मेड सो डेट द पीपल फ्राम वेस्ट बर्लन और वेस्ट जर्मनी के नॉट एंटर इन टू ईस्ट जर्मनी तो ये डिवीजन उन्होंने कर ली थी तो इसीलिए उस वक्त चूंकि ईस्ट जर्मनी वॉज अ पार्ट ऑफ और इट वॉज अंडर सोवियत यूनियन सो दे फॉर इट वॉज नॉटिकलीट टाइम। हियर यू कैन सी द लोगो ऑफ वारसा पैक्ट ऑन यूर लेफ्ट एंड ऑन यूर राइट अगेन द कंसेप्ट ऑफ आयरन कर आयरन कर्टन ने कोल्ड वार को हवा दी थी इसी वजह से कोल्ड वार मजीद इग्नाइट हुई थी तो आपको एक जगह पर नजर आ रहा है कि ये जो रेड लाइन है दिस रिप्रेजेंट्स द आयरन कर्टन विच इज डिवाइडिंग द यूरोप इन टू टू पार्ट्स वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न यूरोप और जो ईस्टर्न यूरोप के हिस्से हैं सो द पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड फ्राम ट्रेवलिंग आउटसाइड दियर कंट्रीज इन लोगों को अपने मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी ताकि उनका दूसरों के साथ मिलाप ना हो और इस वजह से उनके जो आइडियाज हैं वो मॉडिफाई ना हो या वो चेंज ना हो इसी तरह जो वेस्टर्न यूरोप के लोग थे दे वर आल्सो नॉट अलाउड टू कम टू ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज एंड देर फोर चर्चिल कार्ल डेज आयरन कर एक लोहे की चादर है एक लोहे की दीवार है एक लोहे का पर्दा है जिसको क्रॉस नहीं किया जा सकता क्योंकि वहां पे सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस है और वो इस मूवमेंट को अलाउ नहीं कर रहा सो लेट्स कम टू द टॉपिक अगेन सो वेन द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी

एंड आल्सो इट वाज अलाउड टू री आर्म मतलब है कि उसको दोबारा अलाउ किया गया कि वो दोबारा वेपन्स हासिल करे दोबारा हथियार हाँ हासिल करे और दोबारा मज़बूत हो मजबूत इसलिए हो क्योंकि करीब ही कम्युनिस्ट आबादी है कम्युनिस्ट स्टेट्स हैं तो ऐसा ना हो कि वो अटैक कर लें सो लेट द जर्मनी डेट इज इन विद द वेस्टर्न पावर्स इट्सोंग इन इट सेटी So when Russia saw that, get, that the West Germany is being rearmed, it's again getting powerful. Therefore, it was again you know very cautious. It became concerned. As a result, in 1955, Warsaw Pact was made. Now the reason was that Soviet Union believed that by making Warsaw Pact, it could now balance the West Germany power as well as the NATO power. क्योंकि वेस्ट जर्मनी भी बन गया है और वो पावर ले रहा है दूसरी तरफ नेटो है तो किस तरह इनकी पावर को कंट्रोल किया जाए या बैलेंस किया जाए सो बिकॉज ऑफ इट रशिया ऑफ मेकिंग ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज साइन एंड इट वॉज रेस्ट वॉज ऑन द राइस इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज

अपने आप को डेवलप किए जा रहे हैं तो जो ईस्टर्न यूरोप के लोग थे तो वो भी बेचैन थे दे वर देवर लुकिंग फॉर सम चेंज एंड दे वर दे वर नॉट हैप्पी और विद देयर गवर्नमेंट्स रशिया सोवियत यूनियन एट दैट टाइम इट रियलाइज सिचुएशन दैट दीज स्टेट्स दीज कंट्रीज शुड बी कंट्रोल्ड अदरवाइज इट मे लूज द कम्युनिज्म आइडियोलॉजी इट मे लूज द कम्युनिस्ट द सिस्टम विच वॉस इन दीज ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज Therefore, the countries, all these countries, should be bound together and they should be under very strong control of the uh, Soviet Union and through that organization when they would meet the Warsaw Pact. So, Russia would be able to watch all these Eastern European countries and would also give them stability and security. And as a result, these countries, when civil unrest, will karne to so this was the motive of making the Warsaw Pact. The headquarters of the Warsaw Pact was in Poland. The capital, the name of the capital is Warsaw. Furthermore, the supreme commander of the unified armed force of the Warsaw Treaty Organization was under USSR control. So, the Warsaw Pact was, made, was strongly under the influence of the Soviet Union. Iska jo supreme commander jo army supreme commander hai, it was always controlled and was taken by the Soviet Union army, so it was you can see directly controlled by the Moscow. So Warsaw Pact was under the influence of Moscow and the Russian influence. As a result, they were keeping their influence on all these European countries. The members of Warsaw. ओरिजिनल सिग्नोटोरिज टू वारसा ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन वर उसमें सोवियत यूनियन है और इसके साथ जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं वो हैं तो उनके नाम क्या क्या हैं और अल्बानिया पोलैंड हंगरी बल्गारिया रोमानिया एंड जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वही ईस्ट जर्मनी है जिसको अब सोवियत यूनियन ने एक स्टेट बना दिया है और उसका नाम जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रख दिया है आगे। मेंबर्स आगे वार्सा तो, और कम अंडर तो इनका भी जो प्रिंसिपल है वो वही नीटो का प्रिंसिपल है कलेक्टिव सिक्योरिटी का प्रिंसिपल है कि अगर किसी एक के ऊपर अटैक होता है तो दिस विल बी टेकन एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम And therefore, all these member countries would combine together, would join together, and they would fight with the aggressor. Warsaw Pact also emphasized non-interference in the internal affairs of its members and supposedly organized itself around collective decision making. The Soviet Union ultimately controlled most of the Pact decision. नीटो ने भी ऐसे ही किया तो वासा पैक्ट ने भी वही प्रिंसिपल अपनाया कि दिस पैक्ट इज फॉर द डिफेंस एंड द मेंबर कंट्रीज वुड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ अदर स्टेट्स वो दूसरों की जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे सो so अंदरूनी तरह तौर पे सारे भी जो स्टेट्स हैं सो ऑल दिस मेंबर्स आर इंडिपेंडेंट वाइल्ड फॉर डिफेंस पर्पस दे वुड बी वर्किंग अंडर The command of Warsaw uh, Pact. Then the next topic is problems in Warsaw Pact. Ab Warsaw Pact to ban Up Ab ke as we see that problems would start coming into Warsaw Pact, and as a result, this Warsaw Pact would finally come to its end, just like Cold War came to its end. So Warsaw Pact me up to 1980s, the Warsa Treaty was beset with problems.

Made the pact virtually ineffectual. In late 89, civil and political discontent forced the communist governments from power. So, in these Eastern European countries, we saw that the communists were losing grounds. Communist ki force kam hore thi. Wo election and inki jagah forces thiin, which were anti-communist, so they were gaining popular. They were gaining grounds, they were winning elections. So, what is happening Eastern European countries, which a communism system, so system is not to They are losing the elections. And as a result, in most of the countries, most of these states, we saw that the governments were anti communist. Eventually, the populaces of Hungary, Czechoslovakia, Albania, मनी पोलैंड रोमानिया एंड बलगारिया डिपोज देर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स इन द पीरियड फ्रामीन एटी नाइन टू नाइनटी वन एंड सोवियत यूनियन ग्रोइंगिक बैकवर्डनेस डि डिफेंस लाइबिलिटीज तो अब नजर आ रहा है कि सिर्फ एक रियासत नहीं है बल्कि ये काफी रियासतें हैं जहाँ पे कम्युनिस्ट अपनी फोर्स को खत्म खत्म देख रहे हैं उनकी फोर्स कम हो रही है और उनकी गवर्नमेंट्स भी खत्म हो रही है और इसीलिए ये जो स्टेट्स मैंशनड है यहाँ पे कम्युनिस्ट गए और इनकी जगह एंटी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स आ गई एज रिजल्ट वी सा इन सेप्टेम्बर नाइनटीन डेट ईस्ट जर्मनी लेफ्ट द पैक्ट एंड री यूनिफाइड विद वेस्ट जर्मनी तो जर्मनी का वो हिस्सा वो जो ईस्ट जर्मनी कहलाता था जो कि सोवियत यूनियन के कंट्रोल में हुआ करता था तो आखिर में अब वहां पे लोगों में इतनी बेदारी आ गई है और कम्युनिस्ट हार गए हैं तो वो जो बर्डन वॉल जो सोवियत ने बनाया हुआ था, जोवियत रिजल्ट दू जर्मन अगेन री यूनिफाइड दे वर री इंटीग्रेटेड और इसी तरह हमारे पास अगेन मुत जर्मनी या यूनिफाइड जर्मनी वापस दुनिया के नक्शे पे वजूद में आया ये सितंबर 1990 की बात है और इसी तरह इसको देख के जो बाकी स्टेट्स थे जिसमें चीको है जिसमें हंगरी है जिसमें पोलैंड है सो दे आल्सो विदड्रॉ फ्रॉम वारसा पैक्ट क्योंकि जब ईस्ट जर्मनी वारसा पैक्ट से निकल गया वो वापस वेस्ट जर्मनी के साथ शामिल हो गया तो इसी की देखा देखी जो बाकी स्टेट्स थे दे आल्सो स्टार्ट क्विटिंग वारसा पैक्ट दे रिनाउंस द मेंबरशिप ऑफ वारसा पैक्ट एंड दे लेफ्ट दारसा पैक्ट तो अब जब वारसा पैक्ट के मेम्बर्स जा रहे हैं ये पैक्ट कमजोर होत, होती जा रही है ये मजीद खत्म होती जा रही है सो रिजल्ट द एंड इज नॉट वेरी फार बाय द जुलाई 1991 नाइनटी वन फाइनली एज सोवियतियन वॉज डिस सोवियत यूनियन नहीं रहा उनका वो जो फिलोसफी थी और जो पर्पज था वो नहीं रहा एज अ रिजल्ट फाइनली कम टू द एंड एंड वी ऑल्सो सा डेट सोवियत यूनियन इसी uh, जो एटीज की दहाई है इसमें इट वॉज गेटिंग वेरी इकोनॉमिकली डाउन एंड इट वॉज रिगार्डिंग इट एज अ वेरी बिग लाइबिलिटी टू रिटेन इट्स कंट्रोल ऑन ऑल दिज ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स इसकी जितनी भी इकानमी थी जितने भी इसके फंड्स थे दे वर यूज ऑन डिफेंस एंड ऑन मेकिंग दिस ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज गो विद द वारसा पैक्ट बट इट वाज अ लाइबिलिटी ये रशिया की इकानमी पे एक बोझ बन रहे थे तो आखिर में इसी वजह से भी द रशिया और सोवियत यूनियन एट दैट टाइम इट वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कंट्रोलिंग अगेन दिस ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स एंड दिस ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स स्टार्ट गेटिंग आउट ऑफ The Warsaw Pact slowly and gradually, as a result, finally also ending the Cold War. We saw this also, that in this period, there was détente between Soviet Union and U.S. Détente means the friendship that developed, the understanding that developed between Soviet Union and uh, Soviet Union and United States, because of which they were decreasing their weapons. They were decreasing the strategic and nuclear weapons because of all these agreements and the summit meetings between the presidents of the two states along but these understanding between the two leaders were also slowing down the cold war as a result the warsaw pact also declined because of all these developments and in this uh, situation finally the warsaw pact was abandoned and only nato organization was left and nato become as, as a victorious organization along with western european countries and leaving america as the unipolar world as a super, the only superpower in the world